हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे बेबी का 9th डे। आज है मेरे बेबी का 9th डे और बहुत अच्छा मैं फील कर रही हूँ। मैं 6 डेज जब हुआ मेरे बेबी का, तभी से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे लग ही रहा तुम्हें बेबी हुआ है। तो ये रहा मेरा शोना बेबी। तो आपको दिखाती हूँ मेरा बेटा। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल जस्ट चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप। डॉक्टर ने कहा था कि सैटरडे को आना है, तो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। और देखो देखो आपके छोटे भाई को। तो हम लोग नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज है, फोन बजा देना हमको या जाना पड़ेगा। तो नीरव का छोटा भाई आ गया है गाइस। देख लो एक बार, बेल बजा दो अगर लग रहा है, हॉर्न पहले बजाओ। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल इसके चेकअप के लिए। और इसका नाम हम लोग सोच रहे हैं रियांश और ध्यांश। इसके डैडी बोल रहे ध्यांश और मैं, क्योंकि धौस से आया, और मैं कह रही हूँ रियांश क्योंकि रियांश थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। आ जाओ जल्दी आ जाओ चले। तो एक्चुअली हमारे साथ मम्मी को बोला, आ जाओ मम्मी को बुलाओ। कंफ्यूज हो रही है। एक्चुअली हमारे साथ आज कोई और भी जाने वाला है, तो वो भी हमारे साथ जाएंगे हॉस्पिटल। उनको भी अपने बेबी को चेकअप करवाना है, तो उनके हस्बैंड कहीं गए हुए हैं, तो इस वजह से वो हमारे साथ ही जाएंगे। तो यार मेरा बेबी हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी खुश हूँ। बहुत अच्छा सब कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा अच्छा अभी फील हो रहा है। मतलब बेबी जब पेट में था, जब 9 मंथ चल रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था। चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। सोना सो रहा है, सो रहा है बेबी। तो घर चलते हैं। हाय बेटा। हाय बेटा, देखो एक भाई क्या कर रहा है और एक भाई देखो क्या कर रहा है। बोलो हाय गाइस, मेरा भाई हुआ है। नीरव का भाई का क्या नाम है? नीरव अभी पकौड़े खा रहा है, चाय हम लोग जो है खा चुके। मैं सो के उठी इसलिए ऐसी मेरी हालत है। और ये रही मेरी सिस्टर। हाय। और ये रहा बेबी छोटू सा। हाय ध्यांश। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को नाम कैसा लगा। तो ध्यांश भी ठीक है, बट रियांश मुझे ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगा। और नीरव को कौन सा नाम चाहिए भाई का? पहले मैंने सोचा था अगर लड़का होगा तो नीरव है, और दूसरे का आरव रखूंगी, नीरव आरव। बट आरव बहुत ज़्यादा मुझे फिर उतना अच्छा नहीं लगा अभी, तो इसलिए रियांश सोच रही हूँ। और इसके डैडी बोल रहे ध्यांश, क्योंकि राशि के हिसाब से धौस से रखना है, तो इस वजह से। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे नीरव को पकौड़े कैसा लगा। और ये नीरव की मासी बनाई है पकोड़े, दाल अनियन कोरिएंडर ये सब डाल के। हाय बोलो। हाय गाइस। गाइस हाउ आर यू? पूरा भरे हुए तो क्या बोलोगे? मुंह में पूरा भरा हुआ है तो क्या बोलेगा नीरव? फोन दे रहे हो, किसे दे रहे हो? और आज नीरव की दादी ने इससे नेल पेंट लगा दिया है, दिखाओ। मैंने लगाया। अच्छा तू, इसकी मौसी ने लगाया नेल पेंट। वो वाला दिखाओ, वो वाला फिंगर दिखाओ, नेल पेंट दिखाओ। नेल ये गंदे हाथ से ऐसे ऐसे करके गंदा कर दिया। नहीं बेटा गंदी बात इसने किया। क्या अपनी तो कोई तारीफ करता है? तुम्हें कैसा लग रहा है दोबारा डैडी बनने के बाद? जैसे पहले लगा था वैसा ही। बट नीरव को इतने छोटे में नहीं तुमने खिलाया है, मैं मम्मी के हाथ ही। खोलो खोलो गेट, खोल दो गेट, खोल गेट, खोल गेट, खोल मौसी गेट, खोल गेट, खोल गेट, खोल जाजा मौसी क्या कह रही है। चलो हाय गाइस। सो आज है वेडनेसडे और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था सैटरडे को और छोड़ दिया था, कोई नहीं कॉपीराइट नहीं लगा। और आज जो है मेरी मदर इन लॉ चली गई दिल्ली, तो यहाँ काफ़ी दिन से थी। कितने दिन हो गए होंगे मम्मी जी को? एक महीना हो गया।
एक महीने 8 दिन हो गए थे। तो मम्मी जी चली गई और आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, पता नहीं क्यों मम्मी जी चली गई, इतने दिन से थी तो अच्छा नहीं फील हो रहा था। और मेरी बहन अभी है ही, हाय। तो अभी हम लोग थोड़ा टीवी देख रहे हैं और आज थोड़ा हम लोग का मतलब पार्टी जैसा मूड बन रहा है, मतलब हम लोग चिकन खा रहे हैं बहुत दिनों बाद, मतलब स्पेशली मैं, मेरी बहन तो खाती थी क्योंकि मम्मी जी जो है वो नहीं खाती है नॉनवेज, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज बनाते हैं। बहुत दिन हो गए मेरे खाए हुए, 1.5 महीने हो गए हम गए थे। तो सब जो है ये लोग टीवी देख रहे हैं, बिजी है। इन लोगों को फिल्म ज़्यादा पसंद आता है, मुझे नहीं, मुझे ना फिल्म ना सीरियल कुछ नहीं। हाँ थोड़े बहुत मैं म्यूज़िक मतलब चला लेती हूँ। नीरव का भाई क्या नाम है, ध्यांश। ओए भाई मैं तो याद कर रहा था, ध्यांश ध्यांश ध्यान से देख क्योंकि हमें राशि में धौसे आया तो हमें ध्यांश रख, मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा, काफी यूनिक नाम मुझे भी लग रहा है, बट मैंने रियांश सोचा था, रियांश था ज्यादा इसको। हाय, ओ अभी तो आप हाय भी नहीं बोल सकते। ओए ओए तो जा रही मैं, अनियन चढ़ाकर बिल्कुल छोड़ दी हूं। और सही बताऊं अभी मेरे बेबी का आज 13 डेज है, हाँ 13 दिन का हो गया है मेरा बेटा आज, तो मतलब 13 दिन का हो चुका है। और मैं काफ़ी अभी एक्टिव हूँ, काम सब कुछ कर रही हूँ। आज भी मैंने पूरा किचन वगैरह सब कुछ सफाई किया, काफ़ी दिनों से मम्मी जी ऐसे जैसे हो रहा था अपने हिसाब से कर रही थी, बट आज मैंने सब कुछ अच्छे से किया। फिर भी मैंने मतलब 6 डेज से ही थोड़ी बहुत काम वाम थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया और इतना जल्दी मैं रिकवर हुई हूँ। जबकि सेकेंड बेबी में कहते हैं आपकी जो बॉडी होती है काफ़ी वीक हो जाती है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के कंपेयर में आपकी सेकेंड में थोड़ी ज़्यादा आपको वीकनेस आती है, पर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी एक्टिव थी, हेल्दी खा रही थी, इवन अभी भी मैं खा रही हूँ। और जैसे ही मैं मतलब बेबी हो गया उसके बाद से ही मैंने दूध में हल्दी और गुड़ डालकर काफ़ी ज़्यादा पिया, जिससे आपका को यू नो जब आप बेबी को फीड कराते हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है जब आप क्योंकि बेबी को बहुत ज़रूरी है हेल्दी दूध का, और जल्दी आपका दूध उतरना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग हॉस्पिटल में मेरे साथ जितने भी थे वहाँ पे उनको दूध नहीं हो रहा था, बट मेरा बहुत जल्दी ही होना शुरू हो गया। तो उन लोगों को डॉक्टर दवाई दे रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, बट मैं मुझे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि मेरा ये सेकेंड बेबी था, तो बहुत जल्दी ही मतलब दूध भी होना शुरू हो गया और मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर रही हूँ। तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी में तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ना कुछ खाने पीने की टेंशन होती है, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हो। बट मैंने मुझे खुद नहीं यकीन होता है कि मैं इतनी स्ट्रांग कैसे हूँ, इतनी जल्दी घर का सब कुछ काम वगैरह हर चीज़ कैसे मैं कर रही हूँ। मुझे खुद पे इतना प्राउड फील हो रहा है, खुद मतलब इतना दूसरी बेबी को देख के इतना मोटिवेट हो रही हूँ, इतना ऐसा लग रहा है बस अभी खुशियाँ ही खुशियाँ है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो मेरी बहन बहुत काम करती है वो, लेकिन आज मैंने कहा चलो उसके लिए चिकन बनाती हूँ, तो मैं चिकन डाल देती हूँ इसमें, मैं ली हूँ पूरा आया ठीक है। तो अभी मेरी बहन थोड़ा स्टर कर रही है क्योंकि मैं मतलब अभी थोड़ा सा एक दो बर्तन थोड़ा उसको क्लीन कर लिया, पता है नॉनवेज बनाती हूँ ना तो उस दिन मतलब जो नॉनवेज का होता है ना उसको अलग ही क्लीन करके रख लेती हूँ मैं, तो ऐसा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे इन लॉज जो है वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, और इसके भी इन लॉज के हस्बैंड सब मेरे, इवन मेरे खुद के हस्बैंड, मतलब बनाने में बहुत मुश्किल, अकेले के लिए बनाना मतलब बहुत टफ हो जाता है। आप लोग में से फैमिली में से जो भी ऐसा होगा ना आपको पता होगा कितना टफ होता है अकेले के लिए बनाना, अलग बर्तन रखना, अलग सब चीज करना, फिर दूसरे के लिए भी खाना बनाना, इस चक्कर में तो मैं कभी कभी बनाती ही नहीं हूँ कि कौन इतना मेहनत करेगा। क्योंकि क्या होता है ना जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनको मतलब उस बर्तन में तो बिल्कुल भी वैसे भी नहीं खा सकते, और वैसे भी मैं पूजा के लिए अलग बर्तन ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मम्मी जी थी ना तो मैं नहीं बनाई। अच्छा आप लोग में से कमेंट करके बताना किस किस के फैमिली वाले नहीं खाते हैं, ऐसा है हमारे जैसा है सिस्टम, क्योंकि जब आधा लोग नहीं खाते हैं और आधा खाते हैं तो फिर डबल डबल बनाओ, और फिर उस चक्कर में आप कुछ अलग ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो नॉन वेज पे, तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर खाते तो बहुत एक्सपेरिमेंट करती मैं, मुझे लग रहा है वीक में 5 दिन तो ज़रूरी खाती नॉन वेज, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है मुझे। फ्राई हो गया क्या? तो अब मैं मतलब अनियन चॉप करके डाली हूँ और गार्लिक जिंजर और टमाटर जो है उसको पेस्ट कर मतलब बनाकर ही डालती हूँ, तो थोड़ा ग्रेवी भी बन जाता है और थोड़ा टेस्टी भी लगता है, सब कुछ नहीं ग्राइंड करना लगता नहीं नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे खट्टा भी नहीं पसंद आता है तो बस। और हस्बैंड के लिए दिन में सब्जी था, वो इतना बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो वो खा लेंगे, अगर लगेगा तो मैं कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी।
बट मुझे मतलब इतना खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर रही हूँ। और मतलब अभी खाने पीने का भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ मैं, तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दूध उससे मिलना, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। प्याज भी जाएगा थोड़ा। हाँ गाइस, तो मेरा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तेल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें डाल देती हूँ पानी। काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है। लड़के बेबी को किसी करो, अपने भाई को, भाई को कैसे प्यार करते हो? नीरव अपने भाई को किसी कर रहा है, प्यार कर रहा है। आपको बेबी क्या बोलेगा? भैया भैया।